विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि क्या कुछ नोटिस गया या नहीं गया, क्या आवेदन दिया, हर एक चीज आपका जो प्रश्न था सारा प्रश्न इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत आपको तो पकड़ लिया गया, अभी आप एंट्री ही किए तभी पकड़ लिया, क्या मानसा था? देखिए हमको तो लगता है कि जिस तरह हम पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ बोलते हैं और बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों का नाम उजागर करते हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। और जैसे ही हम आंदोलन में आए हैं हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, पुलिस वीडियो भी है और लाठी से ऐसे करके हमको गिराया गया, मारा गया और हम गिरे हुए हैं। उसके बाद भी देखिए तीन तीन चार चार लाठी से मारा जा रहा है, वो वीडियो फोटो भी सब जगह है। उसके बाद हमें उठाकर फिर जब अरेस्ट किया जा रहा था, गाड़ी में रखा जा रहा था, तो गाड़ी में चढ़ते समय हमारे प्राइवेट पार्ट को, पेनिस और टेस्टिस को दबाने का कोशिश, कौन दबा रहा था? पुलिस कर्मी जो वहां पे हम अरेस्ट कर रहे थे और उसके चलते हम गिर गए। फिर हम सोचे कि ये तो दबा देगा तो मर जाएंगे, तो हम गिर गए। उसके बाद हमको गाड़ी में बीच में बैठा के दोनों तरफ से मारपीट किया गया, यहाँ पे मारा गया। ये कब का बात है, जब मैं माइक लगा रहा था उस समय या उसके बाद? नहीं, गाड़ी में जब बैठा लिया तब, जब गाड़ी में बैठा लिया उसके बाद मारपीट किया गया। यहाँ पे मारा गया है, कान में मारा गया, यहाँ पे पीछे से, मैंने पूरा इस एरिया को टारगेट किया। जबकि हम कह रहे थे कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, मत मारिए हमें ब्रेन में या कान में, मत मारिए, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ। यहाँ से जाने के बाद थाना में या केवल गाड़ी? नहीं, गाड़ी में। थाना में अच्छा व्यवहार किया गया, थाना में कोई बदतमीजी नहीं किया गया, कोई दुर्व्यवहार नहीं, अच्छा बर्ताव किया गया सबके द्वारा। लेकिन रास्ते में वो वीडियो भी है सबके पास, स्टूडेंट लोग रिकॉर्डिंग भी किए हैं, कुछ मीडिया लोग भी रखे हैं वीडियो, शायद चल भी रहा हो। हम छात्र लोग भी बाहर आए हैं तो पता चला है कि वो वीडियो बनाया है कुछ लोगों ने, चूंकि शीशा गाड़ी की शीशा से तो बाहर से लोग देख रहे हैं। और हमको मारते मारते वहां तक ले जाया गया थाना से, यानी कि बेली रोड के ओवर ब्रिज से बीपीएससी ऑफिस के पास जो वहां से मारते मारते हमको सचिवालय थाना तक ले जाया गया। जब जिप्सी से वहां उतरे गाड़ी से, उसके बाद अच्छा व्यवहार किया गया। थाना में आपके साथ क्या हुआ? थाना में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, अच्छा व्यवहार हुआ। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी का, पुलिस प्रशासन का क्या है कि भाई किसी को अरेस्ट करते हैं, हिरासत में लेते हैं आंदोलनकारी छात्र नेता को या छात्र को, तो क्या इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है और अमानवीय काम किया जाता है? तो ये तो जवाब देना। जब छोड़ा गया तो क्या क्या आपके साथ प्रोसेस हुआ, कुछ लिखवाया गया या डायरेक्ट? देखिए वो होता है प्रोसेस, जो पीआर बाउंड ये सब भरवाया जाता है वही सब हुआ है। अब आगे जो करे वो लोग, वो तो प्रशासन का काम है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन से उभरे नेता है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में उनके आवास के 1-2 किलोमीटर के अंदर इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ। ये दिलीप कुमार पे इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है लाठीचार्ज, ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ है। क्योंकि दिलीप कुमार किसी पार्टी से तो है नहीं, हम किसी नेता से भी कोई मतलब नहीं है, हम निष्पक्ष भाव से स्वतंत्र रूप से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और इस तरह से हमारे ऊपर इस तरह कार्रवाई की गई, इसका मतलब बिहार के लाखों छात्रों के साथ कार्रवाई। शांतिपूर्ण तरीका से आप लोग का आंदोलन था, तब फिर क्यों कोई आपसे मिले कि नहीं मांग को लेकर, आखिरकार आप क्यों आंदोलन कर? कोई नहीं, अभी तक कोई। जिस समय हम आंदोलन में आए थे और पुलिस हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगी, हम बोलते रह गए कि सर हम लोगों के 3-4 प्रतिनिधि मंडल को बीपीएससी के अधिकारी से मिलवा दीजिए, चेयरमैन से मिलवा दीजिए, अपना मांग पत्र हम सौंपेंगे। लेकिन नहीं मिलवाया गया और वही चीज हमें अरेस्ट करने के बाद 2 घंटा बाद किया गया, 4 या 5 लोगों को ले जाकर मिलवाया गया सचिव से, वही काम आप पहले क्यों नहीं किया? यानी कि आप नहीं मिले, यानी कि दिलीप कुमार को टारगेट किया गया, हम तो थाना में थे ना, हमें तो पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, हम तो बोले कि मिलवाया, नहीं मिलवाया गया, तो यानी कि दिलीप कुमार को टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल भी देखिए 25 अक्टूबर को हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, मारा गया इसे पिछले साल 25 अक्टूबर 2023 को, और इस बार भी मेरे साथ दुर्व्यवहार। क्या चाहते हैं लोग? पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ जो इतना हम बोलते हैं, बड़े बड़े लोग का नाम लेते हैं, तो हमें तो लगता है कि यही लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। क्योंकि एसके सिंघल बिहार के डीजीपी रह चुके हैं और उनको मेरे वजह से सीएसबीसी के चेयरमैन से हटना पड़ा पद से, तो हो सकता है जो बड़े बड़े शिक्षक का भी नाम हम ले लेते हैं, नेता का नाम लेते हैं, तो ये सब मिलके कोई साजिश कर रहे हो। हो सकता है कुछ जो है पुलिस लाइन में भी सेटिंग से गया हो तो वो लोग तो हमको टारगेट करेंगे। हो सकता है किसी दिन आंदोलन के नाम पे हमारी हत्या भी कर सकता है ये लोग। जब आज मेरे प्राइवेट पार्ट को दबाया जा रहा था तो वो हत्या ही ना है, अगर हम नहीं गिरते, अपना बचाव नहीं करते तो दबा के मर देता हमको, कुछ भी कर सकता था। ये तो अमानवीय व्यवहार हुआ। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप मेडिकल टीम गठित कीजिए और हमारी जांच करवाइए, हमारे पूरे शरीर की जांच कराइए, देखिए किस तरह से यहाँ मारा गया है, पीछे मारा गया है, यहाँ मारा गया है, ये तो इंटरनल चोट है ना, एक्सरे में सीटी स्कैन में आएगा। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को, आप बैठाइए मेडिकल टीम और जांच करवाइए, अगर मेरी बात सही साबित नहीं हुई कि हमें मारा गया तो आप हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना है कीजिए, और साबित हुई सही बात मेरी बात तो उन पुलिस वालों पे कार्रवाई कीजिए। आखिर इस तरह से नहीं चलता है। जो विद्यार्थी 5 गए हैं, रोड जाम नहीं कर रहे थे, बहुत जगह लोग बोल रहा था कि रोड, ये सब प्रशासन का तरीका होता है स्टूडेंट्स के आंदोलन को बदनाम करने का, कहीं रोड जाम नहीं था। हम लोग तो बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे, नाराबाजी भी नहीं कर रहे थे, एक कागज का टुकड़ा भी किसी पर नहीं छोड़े थे, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया गया। बीपीएससी हम लोग ऑफिस जाना था, डायरेक्ट वहीं उतरना था, तो टेम्पो में किसी को नहीं उतरने दिया जा रहा था उस रोड में, हड़ताली मोड़ से लेकर
चिड़ियाघर तक किसी को उतरने नहीं दिया जा रहा था, जो भी उतर रहा है उसको बैठा दिया जा रहा है कि आगे जाओ आगे जाओ, और पूरा छावनी में तब्दील कर दिया बीपीएससी को। जिस रूट से स्टूडेंट का ग्रुप आ रहा है वहीं पे लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति में हम लोग दिमाग लगाया कि एक ग्रुप के साथ हम ओवरब्रिज के नीचे से घुस के बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, तो उसी में लाठीचार्ज कर दिया गया। हम लोग तो नारेबाजी भी नहीं कर रहे थे, कहीं रोड जाम कहाँ कर रहे थे, रोड जाम तो पुलिस वालों ने करवाया। बहुत सारे विद्यार्थी जब आप वहां से चले गए उसके बाद कई एक ग्रुप में 20-25-50 ग्रुप में थे, कोई नेतृत्व करता भी नहीं था, बहुत समस्या हो रहा था, इस पर आपका क्या विचार? देखिये छात्रों का ये आंदोलन था, हम नेतृत्व कर रहे थे, हमें पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन छात्रों ने सूझबूझ से काम लिया और पूरा समझिए कि निडरता के साथ एकदम आंदोलन किया, कहीं हिंसा नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं उन छात्र छात्राओं को कि आप लोग मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरे सिद्धांतों पे आपने आंदोलन किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका प्रतिनिधित्व करता 5 विद्यार्थी गए मिले वहां दिए, क्या बात को यदि मान लिया जाता है या कितना आपको उम्मीद है कि यह बात, चूंकि बड़े बड़े मीडिया पर भी चल रहा है, सबको नेशनल मीडिया सब जगह चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको? देखिये यहाँ मारा गया है तो मुंह पूरा नहीं खुलता है और इधर दोनों सटता नहीं है ऊपर में। हम वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, साथ में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग करें ताकि सीटें खाली ना रहे। जिस तरह से TRE1 TRE2 में हजारों सीटें खाली रह गई और लाखों शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ के बराबर रहने के बाद भी देख सकते हैं किस तरीका का परिस्थिति है, और स्वस्थ चल रहे हैं। मैं इस देखिए इनका अभी भी अस्वस्थ है, सुबह से जिस तरीका से व्यवहार इनके साथ किया गया है, अब प्रशासन अंदर क्या किया ये बता रहे हैं कि वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच कराया जाए और जांच का ये डिमांड करते हैं। जांच कराने के बाद ये काम पर यहाँ पे इस तरीका से सभी जगह बताया जा रहा है कि इनके साथ गाड़ी में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी जाँच कराया जाए, और इन पर ये साफ कह रहे हैं यदि आरोप नहीं सिद्ध हुआ तो जो करना है इनके साथ कर ले, लेकिन आरोप कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए ताकि किसी तरीका से कंडीशन में देखिएगा तो इस तरीका से किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसी भी परिस्थिति में अभी तक जो स्टूडेंट का खबर है वहां मैं लाइव भी दिखा रहा था, आप लोग देखे होइएगा, शांतचित होकर सभी लोग मांग कर रहे थे, फिर भी इन लोग के साथ अत्याचार चल रहा था, क्या उम्मीद है अब? आप अस्वस्थ है, बार बार ज्यादा प्रश्न पूछना भी उचित नहीं। देखिए बोलने की स्थिति में अब नहीं हूँ, फिर भी सरकार से मांग है। चलिए देख सकते हैं यदि मैं इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इन पर विचार किया जाए, जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस पर विचार किया जाए। फिर से मैं कहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनकी परिस्थिति देखा जा सके, इन पर विचार किया जा सके, जांच हो सके, और जो अधिकारी इस तरीका से किए हैं, जो पुलिस प्रशासन इस तरीका से किए हैं, उनको दंडित किया जा सके। फिर से मैं एक बार कहूंगा यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।